हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रसगुल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, एक कटोरी शुगर, थोड़ा सा इलायची पाउडर, लेमन जूस, ये करीब डेढ़ नींबू का जूस है, पानी। सबसे पहले हमें दूध को बॉईल होने के लिए रख देना है। एक उबाल आने के बाद इसे बंद कर देना है। अब इसे स्पून से थोड़ा सा हिला के इसके अंदर की जो गर्म हवा है वो निकाल लेनी है। थोड़ा सा ठंडा कर लेना है दूध को। अब इसमें लेमन जूस ऐड करना है। फ्रेंड्स, लेमन जूस हमें उतना ही ऐड करना है जब तक दूध फट ना जाए। थोड़ा थोड़ा करके लेमन जूस हमें डालते रहना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये अभी दूध पूरा फट गया है, उसका पानी पूरा अलग हो गया है और छेना अलग हो गया है। इस स्टेज तक हमें लेमन जूस डालना है। अब इसे हमें एक कपड़े में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक बर्तन लिया है, उसके ऊपर छन्नी रखी है। अब इसके ऊपर कपड़ा डाल रही हूँ। इसको निकाल लेना है उस कपड़े में। अब इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालना है ताकि जो छेना है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। इसका जो भी पानी है छेने के अंदर वो निकाल लेना है। अब मैं इसे थोड़ा सा हाथ से, हल्के हाथ से दबा के इसका अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से अब इस छेने को एक प्लेट में निकाल लेना है। फ्रेंड्स, अभी भी ये बहुत गर्म है तो इसे थोड़ा फैला के ठंडा कर लेना है। और इसे हथेली का जो साइड का पोर्शन है उससे अच्छे से मैश कर लेना है। बहुत ही हल्के हाथ से करना है। फ्रेंड्स, करीब 3 से 4 मिनट तक हमें इसे अच्छे से मैश करना है। इसके हम इक्वल पार्ट्स बॉल्स बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे ध्यान रखना है कि इन बॉल्स के अंदर क्रैक्स नहीं होना चाहिए। अच्छे से मैश होने के बाद ही इसके बॉल्स बनाए। आधा लीटर दूध के करीब 8 रसगुल्ले आपके आराम से बन जाएंगे। मीडियम साइज़ के हमें अब मैंने एक बर्तन ले लिया। उसमें करीब 7 से 8 कटोरी में पानी डालना है। जो भी आप बर्तन लो वो थोड़ा डीप होना चाहिए। अब एक कटोरी उसके अंदर शुगर डाल देनी है।
पानी के अंदर शुगर अच्छे से डिजोल्व कर लेना है। उसको अच्छे से मिक्स हिलाते हुए शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देना है। अब इसमें एक बॉईल आने तक हमें इसे रखना है। अब इसमें एक बॉईल आ गया है। अब मैं एक एक करके सारे रसगुल्ले इसके अंदर डाल देना है। तीन से चार मिनट फ्रेंड बिना ढके ही रसगुल्लों को हमें पकाना है। और गैस की आंच फुल ही रखनी है। अब इसे आफ्टर 3 to 4 मिनट्स इसे ढक के हमें 10 मिनट्स तक और पकाना है। फ्रेंड्स अभी ये हो गया है, 10 मिनट्स मैंने बंद कर लिया। अभी करीब 15 मिनट्स लगते हैं रसगुल्लों को पकने में। अब इन्हें बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हमें सर्व करना है, बिल्कुल ठंडा होने के बाद। इसे आप फ्रिज में, ठंडे होने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, तो उसको आप सर्व करिए। फ्रेंड्स ये अभी रेडी है। बहुत ही टेस्टी बने फ्रेंड्स। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइए, आपके रसगुल्ले नहीं बिगड़ेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको थोड़े मीठे ज़्यादा पसंद है, तो जो रसगुल्ले की चाशनी बचती है उसके अंदर थोड़ी शुगर और डाल के पका के उस चाशनी को वापस से रसगुल्ले में डाल देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।